आउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे प्यारे बहन और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल सके। और आज का जो वजीफ़ा है बहुत नायाब है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे वजायफ़ों को पसंद किया और मैं भी चाहती हूँ कि इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपके प्यारे आपके पास हों। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि आप इसका गलत इस्तेमाल करें और मैं ये चाहूँगी कि आपके प्यारे आप तक पहुँच जाएँ, ठीक है। छोटे छोटे बहुत प्यारे प्यारे अमल हैं, वज़ाइफ़ हैं, इनका थोड़ा सा एहतराम भी कीजिए और जो है अगर हमसे मदद लेना चाहते हैं तो हमसे रब्ता भी कीजिए। आज की सबसे प्यारी अहदीस की तरफ चलते हैं, मस्जिद को खुशबूदार रखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया, मस्जिद को जुमे के जुमे खुशबू की धुनी दिया करो। फ़ायदा इसका यह है, जुमे की कैद नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ मसलिहतन आसम ने फरमाया, इस रोज़ ज़रा नमाजी ज़्यादा होते हैं और जुम्मातुल मुबारक ऐसा होता है जैसे ईद का होता है, बहुत मोतबर होता है। इस दिन सारे गुनाह जो हैं अल्लाह पाक ख़त्म कर देते हैं, धो देते हैं इंसान के, तो इस चीज़ का बस देखा गया। जिन मतलब कि जिन्होंने करना है वो मतलब कि आप रोज़ाना भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हर तरह के आदमी होते हैं, कभी कभी धुनी दे देना भी बहुत मोतबर है। किसी भी किस्म की खुशबू आप उस मस्जिद में लगा सकते हैं, अगरबत्तियाँ भी लगा सकते हैं, छिड़काव भी कर सकते हैं, सब एक जैसा है, एक बराबर है, ठीक है। तो आप ये ज़रूर करें तो आपको भी इसका अजर अज़ीम मिलेगा। आसपास की मस्जिद है उसका एहतराम करें और जाएं अपनी मस्जिद में खुशबू करें और अल्लाह पाक से दुआ करें। आपकी तो मुश्किलें वैसे ही आसान हो जाएंगी अगर मस्जिदों की खिदमत करने पे आ गए। तो आज के सबसे प्यारे वजीफे की तरफ चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह शरीफ का वजीफा है, अमल है, 320 मरतबा रोज़ाना 7 रोज़ तक लगातार आपने 9 चंदी जुमेरात से शुरू करें या चाँद की 14 से शुरू करें या चाँद जो मतलब कि बढ़ते चाँद के दिनों में शुरू करें, इस्लामिक दिनों में जो है शुरू करें। इस्लामिक दिन जो है पहली से लेकर 14 तक इसको शुरू कर सकते हैं। दिन कोई सा भी हो कोई मसला नहीं है, लेकिन 9 चंदी जुमेरात मोतबर है इंशाल्लाह। 7 रोज़ के अंदर अंदर जिसको आप पुकार रहे हैं ना, जिसको आप बुलाना चाहते हैं, वो हाजिर हो जाएगा, मतलूब बेकरार हो जाएगा और आपको तलब करने की कोशिश करेगा, आपसे राबता कायम करने की कोशिश करेगा, आप तक पहुंचने की कोशिश करेगा। बहुत प्यारा वजीफ़ा है, अपनी इस बहन के लिए भी दुआ कीजिएगा और इंशाल्लाह अगर कोई परेशानी है